राधे राधे सभी को। आज हम लगाना सीखेंगे वैष्णव तिलक। ये वीडियो मैंने पहले भी आपको बनाई हुई है, तो पहले मैं जो है वो मैंने स्टिक से लगा के दिखाया, अब मैं आपको फिंगर से लगा के दिखाऊंगी। हम यूज़ करेंगे ये वाला हरि दर्शन का तिलक यूज़ करेंगे। गोपी चंदन होता है वो ना थोड़ा जल्दी छूट जाता है, ये होता है थोड़ा पक्का होता है, ये जब तक आप नहीं छुटाओगे तब तक छूटेगा नहीं। तो हम इसको लगाएंगे, इसको आज मैं लगा के दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने ये तिलक लिया है, ठीक है, ये मैं अपनी हथेली पे रख लूँगी, ठीक है, इतना सा है। ये देखो ये बिल्कुल इस टाइम पे सूखा हुआ है, इसको हमें हल्का गीला करना है जिससे कि हमारी जो यहाँ पे लगाने की है वो अच्छी तरीके से आए भाई। तो उसके लिए हम थोड़ा सा पानी जल लेंगे, जल को हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो आप इसको निकाल सकते हो। ये फिर फिंगर से हमें इस तरीके से इसको पेस्ट बनाना है जिससे कि ये नीचे भी ना गिरे और आपकी माथे की मस्तिष्क पर अच्छे से लग जाए। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। अब इसी फिंगर को पहले हम साफ़ कर लेंगे कपड़े से, फिर इसको हम ऐसे उंगली में लगा के, ये देखो इस तरीके से, और यहाँ भी इस पर सेंटर पर रखेंगे। हम ऐसे इसी फिंगर को 3-4 बार हम ये भी ही मस्तिष्क पर लगाएंगे, ठीक है। ये देखो आप देख रहे होंगे अच्छी खासी धारी बनकर आ रही है। ये देखिए, ठीक है, इसको हम यहाँ से अभी हम यहीं पे लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया है, ठीक है। अब जो ये बीच का जो बच रहा है इसको हम, कोई पतला कपड़ा आपके पास में होना चाहिए जैसे मेरी चुन्नी है, तो फिर हम इसको यहाँ से ये हमने साइड से साफ कर लिया है। क्लीन कर देंगे। ये देखिए ये लग गया हमारा वैष्णव टिक्का, और थोड़ा सा हम यहाँ लगा लेंगे अपने इस तरीके से। तो ये हमारे नारायण के चरण हो गए और ये हम उनके रखने की शेष हो गए। तो अपने वैष्णव तिलक हमारे लिए बहुत संप्रदाय है, तो आप सब भी इस तिलक को लगाया करें। इस तिलक को लगाने से आपके चेहरे पे 4 चांद और लग जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।